हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग। सो गाइज, आज बात होने वाली है टाटा इस छोटा हाथी, जिसमें बहुत बड़े बड़े फायदे मिलते हैं आप लोगों को, और सबसे ज़्यादा जो पिकअप ट्रक रेनाउंड लोगों के बीच में अपनी सारे के सारे कामों के बारे में, उसके बारे में आज बात करेंगे। मगर उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि अगला ब्लॉग किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। अभी मैं आया हूँ प्रताप मोटर्स के, जो टाटा कॉमर्शियल का आउटलेट है टोंक रोड के ऊपर, वहाँ पर जानेंगे इस पूरी की पूरी गाड़ी के बारे में, क्या क्या वेरियंट है, क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या माइलेज है, क्या पावर है, सारी की सारी चीज़ों के बारे में। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइज, प्रेजेंट करते हैं टाटा इस गोल्ड, मगर उससे पहले हमारे एक और गोल्ड चेहरे से मिलते हैं। सो इनको तो आप पहचानते ही हो, बहुत सारे आपने व्लॉग देखे हैं भैया के। सो फिर से हमारे नए व्यूवर्स को इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नमस्कार सर, मैं रविराज सिंह, प्रताप ऑटोकॉम टाटा मोटर्स की तरफ से। और सर मुझे बताइए, कॉन्टैक्ट नंबर पहले बता दो आप। 7014313933। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी फ्यूचर की क्वेरी हो ना, वो आप सर से पूछ सकते हो। अब शुरू करते हैं ट्रक से, मगर बेसिकली ना ये पिकअप ट्रक आ रहा है तीन वेरिएंट में, राइट? डीजल, पेट्रोल और सीएनजी। तो आपको जिसमें चलाना हो आप उसमें चला सकते हो। अब शुरू करते हैं गाड़ी से। सो कुछ चीज़ें हर गाड़ी में सिमिलर होगी, कुछ चीज़ें अलग होगी जिसके बारे में हम अलग से बात कर लेंगे। मगर सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में मिलता है आपको टाटा का लोगो, उसके साथ में हनीकॉम ग्रिल, उसके नीचे की तरफ बड़े ही क्यूट आपके पास में हैलोजन बेस फ्रंट लैंप। सो ये जो आइकॉनिक लैंप है, ये टाटा एस, मतलब दूर से देखकर आप समझ जाते हो कि ये टाटा एस है। राइट में गोल्ड की बैजिंग है, लेफ्ट में एस की बैजिंग है। ये वाला कलर और एक वाइट कलर उनमें अवेलेबल है। ऊपर की तरफ आपके पास यहाँ पर इंडिकेटर्स मिलते हैं, अगेन रिफ्लेक्टर बेस्ड है, हैलोजन बेस्ड है। यहाँ पर आपके पास में आपके पास रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं एक्स्ट्रा लगे हुए। यहाँ कुछ आपकी नंबर प्लेट लग जाती है। जो फ्रंट वाला जो दिखने में है, ये सारी के सारी तीनों गाड़ियों में सेम है। आपके पास बहुत ही बड़ी विंडशील्ड मिलती है, जिसके साथ में आपके पास में दो वाइपर है। वाइपर में ही आपके पास में वॉशर फ्लूड जो है उनकी भी जगह आती है। सो ये एक और अच्छी चीज़ है। अब अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है साइड प्रोफाइल। सो साइड के अंदर पहला इस तरीके से कुछ दिखते हैं इसके अंदर। मैनुअली एडजस्टेबल आपके पास में ORVM, उसके साथ में वही मजबूती टाटा की। सो यहाँ पर आपके पास CX लिखा हुआ है। ये वाला जो वेरिएंट है सर, ये वाला वेरिएंट जो बिना उसके बकेट के आता है, ये क्या कहलाता है? ओपन शेल। हाँ, ओपन कहलाता है, टाटा है CX के नाम। CX है। इसमें क्या करते हो गाइज, आपको जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हो, राइट? जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर आपके पास में जो टायर साइज आपको अवेलेबल होता है वो है, यहाँ पर आया आपके पास में 145 ATR 12। सो इसके अंदर आपको चारों टायर ये मिली गए। पांचवी स्टेपनी है, वो भी सेम साइज। ये जो है ये आपके पास में पेट्रोल ऑप्शन है। सो सर मुझे बताओ, पेट्रोल में इंजन की पावर क्या है? पेट्रोल में इंजन की पावर से 25 हॉर्स पावर का आता है। 25 हॉर्स पावर, सिलेंडर 25 हॉर्स पावर। और कितना टॉर्क जनरेट कर रहा है अप्रोक्स? ये इसमें तकरीबन आता है 80 अप्रॉक्सीमेटली 80 Nm टॉर्क समथिंग, जिसके बारे में हम एक और बार अच्छी तरह बैठकर बात कर लेंगे। कोने पर यहाँ पर हमारे पास में आ चुके हैं इंडिकेटर। सो बड़े क्यूट इंडिकेटर है। ये लैडर फ्रेम है जो कि बहुत ही मजबूत है। यहाँ आपके पास बैटरी आ गई। ये जो पेट्रोल वाला वेरिएंट है, इसमें आपके पास में लेफ्ट साइड आपका स्नॉर्कल मिलता है और यहाँ पर आपका मिल गया फिल्टर बॉक्स। तो ये है ना, ये सर एक और अच्छी चीज़ पता है क्या है, गाड़ी को समझना कौन सा पार्ट कहाँ आता है, उसके लिए ये वाला वेरिएंट ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर आपके पास में इंजन ऑप्शन हो गया। तो ये आपके पास में इंजन है, उसके साथ में आपका रियर व्हील ड्रिवन है। ये ना लीफ स्प्रिंग बेस्ड है, मतलब कबाड़ी पट्टे बेस्ड है। पीछे की तरफ कितनी कबाड़ी है और आगे चार आते हैं और आगे दो आते हैं इसमें। आगे दो आती है। ये कितना वेट उठाने के लिए पास है? ये 750 किलो पास आता है, बट कस्टमर इसमें आराम से 1500 से 2000 किलो, 2000 किलो तक ले जाते हैं। 2000 किलो तक। वाओ, ये एक बहुत बड़ी चीज है। सो यहाँ पर आपके पास में पेट्रोल के लिए जगह आ गई और आपके पास टैंक। तो सर इसका टैंक कितना, क्या कैपेसिटी? 30 लीटर के आपके पास में टैंक मिल गया, जो कि एक बहुत अच्छी आपके पास में रेंज दे देता है। पेट्रोल जो आपके पास में वेरिएंट है, इसका माइलेज अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाता है? माइलेज अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 का, 18 से 20 का आ जाता है। सो 18 से 20 के माइलेज में आप सारे काम कर सकते हो, बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हो। पीछे की तरफ आपके पास में बहुत ही बड़ा इसके अंदर ग्लास आता है, जिससे आपकी पीछे वाली विजिबिलिटी भी बनी रहती है। यहाँ पर आपको जब हम अंदर देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे, यहाँ आपके पास हल्का सा सॉफ्ट टच मटेरियल यूज्ड है। यहाँ आपके पास ग्रैब हैंडल आ गया, ऊपर और नीचे रोल डाउन अप करने के लिए मैनुअल आपके पास में मैकेनिकल फंक्शन आ गया।
दरवाजा खोलने के लिए आपके पास मैकेनिकल यहाँ फंक्शन आ गया। अंदर की तरफ दो लोग आसानी से बैठ सकते हैं, सो आपके पास बड़े ही कंफर्टेबल यहाँ सीट्स आ गई। साथ में ये आपके पास में जगह आ गई जिसपे और खूब सारी चीजें रख सकते हो। क्रॉस सीट बेल्ट आप लगा सकते हो। 4+1 गियर ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। नीचे की तरफ आपके पास में बहुत सारा स्पेस है। यहाँ आपको मिल जाता है इसके अंदर थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस। सो ये जो स्टोरेज स्पेस है इसको आप लॉकेबल है, आप लॉक भी कर सकते हो। अगर आप अकेले जा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, इस इको वाले बटन को दबाकर आप अपनी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी और ज्यादा अच्छी ले सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास स्पेस आ गया जिसमें आप खूब सारा सामान और रख सकते हो। यहाँ पर भी आप खूब सारी चीजें रख सकते हो। एक आपके पास में यह यूएसबी पोर्ट मिल जाते हैं। अब अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ कुछ हॉर्न के लिए आपके पास आ गया। चाबी जो है आपको वही टिपिकल जो टाटा की है वैसी खूबसूरत की दिख रही है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको ऑन करते हैं और जैसे हमने इसको ऑन करा वैसे ही आपके पास में कुछ इस प्रकार से कंसोल दिखता है जिसमें हीट टेम्परेचर और साथ के अंदर आपकी गाड़ी जो है उसका स्पीडोमीटर यहाँ दिखाई दे रहा होता है। सेम टाइम वेट डालने के बाद में आपकी गाड़ी ऊपर नीचे हो जाती है थोड़ी। तो यहाँ पर आपके पास में हेडलाइट लेवलाइजर मिल गया जिससे कि आप अपनी बीम जो है उसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास में रीडिंग लैंप में येलो कलर की लाइट है। उसी के साथ में आपके पास में बड़ा ही पीछे आराम से दिखने वाला IRVM है। ऊपर की तरफ हमारे पास एक सनशेड मिल गया और उसके अलावा और क्या क्या है, इधर की तरफ जो हमारी सीट है उसके नीचे की तरफ हमको बहुत सारा कंफर्ट मिल गया। मतलब स्पेशियस है गाड़ी बहुत आराम से। और यहाँ पर आपके पास में एक ग्रैब हैंडल मिल गया गाड़ी में इन ग्रेस और आउट ग्रेस होने के लिए। साथ में हमारे पास में बहुत ही बड़ा इसके अंदर जो एक्सेलरेटर पैडल है वो आपको मिल रहा है। तो ये तो बात है कुछ इस गाड़ी की जो कि हमारे पास में पेट्रोल टाटा है। साथ में यहाँ पर आई गेस फ्यूज बॉक्स है, नहीं नहीं ये फ्लूइड के लिए है। सो आपके पास में फ्लूइड के लिए यहाँ पर एक अलग से जगह हो गई। ये तो हुई हमारी पेट्रोल की बात। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे डीजल की तरफ। तो चाबी ना भूलें। सो यहाँ पर हमने इसको खड़ा किया। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे डीजल की तरफ। तो सर मुझे एक बात बताओ, डीजल पेट्रोल की बेसिक सारी साइज तो सेम है, अब दूसरा जो वेरियंट है वो है डाले वाला। तो पीछे की तरफ हमारी बकेट आ गई, इस बकेट की साइज कितनी है? सर 5 फीट चौड़ाई आती है और 7 फीट इसकी लंबाई आती है। सो 5 फीट/7 फीट इसकी चौड़ाई आ गई। पीछे की तरफ यहाँ हमारे पास टाटा का लोगो आ गया। उसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास रिवर्स का जो लाइट है वो आ गई। साथ में कुछ इस प्रकार से दिखने वाली हमारी टेल लैंप आ गई जिसके साथ में हमको मिलते हैं 3 पार्किंग सेंसर। सो 3 पार्किंग सेंसर इसमें हमारे यहाँ लगे हुए हैं जिसकी वजह से आप गाड़ी को और प्रिसाइज पार्क कर सकते हो। अब मुझे बताओ डीजल जो है उसमें पावर टॉर्क फिगर क्या है, मतलब सबसे पहले इंजन कितना है? इंजन दोनों गाड़ियों का सर इसमें 20 हॉर्स पावर का इंजन आता है और इसमें डीजल वाली में 20 हॉर्स पावर आ गई, इसमें 25 हॉर्स पावर आ गई। और सीसी 700 सीसी आता है, दोनों 700 702 सीसी आता है, ठीक है। और उसके अलावा टॉर्क इसका इंजन का कितना हुआ? इसका टॉर्क आता है वो 80-85। ओके सो गाइस दोनों गाड़ियां सेम की सेम दिख रही है। और उसके अलावा अब बाकी अंदर से जब आप इंटीरियर देखते हो तो कोई भी आपको डिफरेंस बहुत बड़ा महसूस नहीं होगा, बोथ लुक्स द सेम। तो ये रहे हमारे पास दूसरा वेरिएंट। तो ये हमने बात करी डीजल की। सो फ्रंट में भी अगर आप डीजल को देखोगे तो दोनों के दोनों एक जैसी दिख रही होती है। मुझे बताओ इसकी कीमत कितनी क्या है अप्रोक्स? इसकी जो कीमत है वो 4,07,000 रुपये और इसकी 5,92,000 रुपये। 5,92,000 रुपये। और गाइज ये जो कीमत है ना, क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, चीजें बहुत तेजी से बदल रही है, तो आप प्रेजेंट में जिस दिन आओगे उसी दिन कीमत एप्लीकेबल होती है। एक सर एक और लोगों को ना बहुत बड़ा शक होता है, वो क्या करते हैं कभी और जमाने में पूछ के जाते हैं कीमत, और लेने आता है वो जमाना कुछ और हो जाता है, और उनको ऐसा लगता है कि आपकी जेब में पैसा जा रहा है। तो उनको ये समझाओ कि जिस दिन आपकी गाड़ी बिलिंग होती है उस दिन जो प्राइस होती है वो ही एप्लीकेबल होती है। सो ये सवाल ना मेरे पास बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि भैया मेरे को कीमत को और बताइए और हुई। पर गाइज होता क्या है, जिस दिन आप अपनी गाड़ी बिल कराते हो उसी दिन प्राइस एप्लीकेबल होती है। अब आपको बोनस दिखाते हैं क्योंकि हमारे पास CNG भी है। तो हम चलते हैं सीधे के सीधे बाहर और CNG की बात करते हैं। गाइज जाते जाते हम एक और बात कर लें, इसमें क्योंकि डीजल है इसमें DF टैंक है। सो DF टैंक जो है उसकी कितनी रेंज है, मतलब 10.5 लीटर? 10.5 लीटर का जो टैंक है वो इसके अंदर है। आप चलो सर अब हमको दिखाओ CNG। तो गाइज बेसिकली फर्क ये है कि बाकी जो दो वेरिएंट है उसके अलावा हमारे पास जो CNG है ये बाहर खड़ा है। फेस्टिवल सीजन आप समझ सकते हो ना कितनी सारी गाड़ियाँ होती है, चारों तरफ काम हो रहा है। तो ये CNG के अंदर सबसे पहले MPGI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, CNG पीछे की तरफ यहाँ लिखा हुआ है, और इसके अलावा गाड़ी में बहुत सारी जगह CNG लिखा हुआ है। तो सर मुझे एक बात बताओ, एक तो CNG फिल करने के लिए आपके पास यहाँ से ऑप्शन है,
सीएनजी का टैंक कितना है सर? इसमें 6-6 किलो के 3 सिलेंडर आते हैं, मतलब टोटल 18 किलो सीएनजी आती है इसमें। 18 किलो इसमें सीएनजी आ गई। उसके अलावा यहाँ पर एमपीजीआई का एक बैज लगा हुआ है, सीएनजी प्लस यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। और सर एक बात बताओ, सीएनजी का माइलेज कितना है? सर सीएनजी का माइलेज इसमें 25 प्लस आता है। 25 प्लस। तो गाइस 25 प्लस आपको सीएनजी में माइलेज मिलता है। कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ ये गाड़ी दिखती है, क्योंकि ये सीएनजी है तो इसीलिए सीएनजी के अंदर अंदर की तरफ रखा हुआ है एक फायर एक्सटिंग्यूशर। सो यहाँ पर आपके पास में अलग से एक फायर एक्सटिंग्यूशर रखा हुआ है। उसके अलावा ये गाड़ी भी सेम ही है, मतलब देखा जाए तो सारी टाटा ही सेम सी दिख रही होती है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आपकी यूजेबिलिटी क्या है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो। और क्योंकि ये सीएनजी है इसलिए इसमें एडजस्टमेंट नहीं होता होगा पेट्रोल सीएनजी वाला, ये डायरेक्ट है। तो सर ये तो रही मोटी मोटी बातें। अब मुझे एक बात बताओ, सीएनजी की कीमत आती है सर इसमें एक शोरूम आती है 6.5 लाख रुपये, 6.5 लाख रुपये समथिंग। तो ये तो रही गाइस मेन बातें। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो सर का कॉन्टैक्ट नंबर फिर से बताओ, 7014313933। तो आप सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, गाड़ी के बारे में जान सकते हो। प्रताप मोटर्स का जो आउटलेट है यहाँ पर आकर आप इस गाड़ी का एक्सपीरियंस ले सकते हो। बहुत सारा शोर हो रहा है। अब हम इस व्लॉग को यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि अगला व्लॉग किस गाड़ी के ऊपर बनाए। तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। बाय बाय।